नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैकनेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह देखिए, इसकी लंबाई हमने ली है 14.5 इंच, डबल फोल्ड करके 10.5 इंच, 16 लिया है 5.5 इंच, आर्म होल 6 इंच, गले की चौड़ाई 2.5 इंच, साढ़े 10 इंच इसकी गहराई ले ली है। डीप नेक गले का डिजाइन है। इस तरह के लिए कम निशान करेंगे। यहाँ पर देखिए, नीचे की तरफ हमने यहाँ और बढ़ा लिया है, 3 इंच नीचे इसकी चौड़ाई कर लेनी है। तो 1/2 इंच और बढ़ाते हुए इस तरह से गले का निशान किया। अब यहीं से इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से कट करेंगे। साइज आप 32 और 34 साइज के लिए नाप ले सकते हैं। अब देखिए, इसे निकालना है हमें बुकरम के ऊपर। तो इस तरह बुकरम के ऊपर इसे फैलाकर बराबर से मिलाकर रखेंगे और फिर वहीं से निशान इस पर कर लेना है। तो ये हमने कर लिया। अब यहीं से इसे कट करना रहेगा। पहले 1 इंच बाहर वाली साइड से बराबर से ये निकालेंगे। इसे पूरे पर निशान ये 1 इंच पर कर लिया है। अब इसको मिला देना है। अब देखिए, इसको कट करना है। यहीं से कट करेंगे। तो इस तरह कट कर लिया है। अब कपड़े पर रखते हुए इसको कट करना है। तो ये हमने कपड़े पर भी कट कर लिया। अस्तर और कपड़े पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने देखिए सिलाई लगा ली है। उसके बाद जितना जो हमारा कपड़ा ज़्यादा आएगा जहाँ पर, तो इस तरह कट करके बराबर कर लेना है। अस्तर वाले कपड़े के साइज का करना है। तो जहाँ पर ज़्यादा रहेगा इस तरह कट करेंगे। तो ये हमने कट कर लिया। अब जो गला कट किया है इसको अस्तर वाले कपड़े पर रखते हुए हमने प्रेस करके पेस्ट कर लिया है। अब ये देखिए, ये वाला कपड़ा लेंगे, मेन वाला ब्लाउज वाला, तो उसके ऊपर रखते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है। ये पट्टी ऊपर से रहेगी, गला ये जो डिजाइंस पट्टी है इसे ऊपर से लगाना है, इसलिए कपड़े पर भी रखते हुए सिलाई लगा लेना है। तो हमने सिलाई लगा ली है। अब इस पर पाइपिंग बनाना है। बाहर वाली तरफ से पाइपिंग बना लेंगे, उसके बाद गले वाली साइड से इसे कट करेंगे। ये पाइपिंग पट्टी हमने ले ली है, रेड कलर की पाइपिंग पट्टी ली है। ब्लैक और रेड से ये डिजाइन रहेगा, ब्लैक पर रेड से रहेगा। तो इस तरह रेड पाइपिंग पट्टी ली है और इस तरह से पाइपिंग बना लेना है।
तो ये हमने पाइपिंग बना लिया है। उसके बाद देखिए अब इसे कट कर लेना है। ये जो गला पट्टी है यहाँ से कपड़ा कट कर देंगे, सिर्फ पट्टी भर लेना है। अब इसको इस तरह मिला कर रखेंगे, बराबर से मिला लेना है। अब ऊपर वाली तरफ से रखना है और इस तरह सिलाई लगा लेंगे। पट्टी के गले वाली साइड बस सिलाई लगेगी, बाहर वाली साइड इस पर डिजाइन रहेगी। तो उसके लिए अब इसको खुला रखना है। गले वाली साइड पट्टी पर सिलाई लगाएंगे, फिर गले पर पाइपिंग बनाएंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इस पर गले वाली साइड से भी पाइपिंग बनाना है। तो रेड पाइपिंग गले वाली साइड से भी रहेगी, इसलिए इसको पट्टी हमने ले ली है रेड कलर की। और इस तरह से पाइपिंग बना देंगे। तो ये हमने देखे गले पर भी पाइपिंग बना ली। अब हमें इस तरह से कपड़ा लेना है, इससे पट्टी बनाएंगे। ये रेड वाला कपड़ा लिया है और ये अब पट्टी बनाकर तैयार करेंगे। आधा इंच से चौड़ाई कम ही रखेंगे, उसी हिसाब से सिलाई लगाना है। तो हमने सिलाई लगा दी है, इसको पलट कर सीधा करना है। तो इस तरह देखिए मैंने पट्टी को पलट लिया है। अब कट कर लेना है, दो दो इंच की कट करेंगे। तो इसी तरह से दो दो इंच की कट कर लेना है। अब देखिए इस तरह इसको लगाना है। बाहर वाली साइड से ये जो गला पट्टी है इसको उठाएंगे थोड़ा सा, और उसके अंदर ये पट्टी रखना है और इस तरह सिलाई लगा लेना है। सिलाई बिल्कुल पाइपिंग के नीचे से ही लगाना है, पाइपिंग के ऊपर सिलाई ना चले। जितनी चौड़ी पट्टी है उतना ही गैप देते हुए इसको इस तरह से लगाएंगे पूरे पर। तो इस तरह देखिए हमने इसे डिजाइन को बना दिया है, पट्टी लगा ली है पूरे पर। अब हमें मोतियाँ लगानी हैं हर एक डिजाइन के बीच में। देखिए हर ये जो डिजाइनें बनाई हैं इसके बीच में एक एक करके मोती लगेगी। तो इस तरह से लगा लेंगे पूरे पर। तो ये देखिए हमने मोतियाँ लगा दिया है। मोतियाँ लगाने के बाद अब इस तरह से हमें कपड़ा लेना है। ये हमने लिया है 2 इंच का चौकोर लिया है और इस तरह से एक साइड से इसको रोल करना है। फिर इस तरह से यहाँ पर पकड़कर सिलाई लगाएंगे और इसे कट कर लेंगे। इसी तरह की साइज की हमें बाकी डिजाइनें भी ले लेनी है। अब इसी में सभी को डालनी है, इसी धागे में सभी डिजाइनों को डाल देंगे।
तो देखिए इसी तरह से जो ब्लैक वाला बनाया इसी तरह से रेड वाले कपड़े से भी बना लेना है। 2 इंच के कपड़े पर बनाया है और रेड वाला जो लिया है 3 इंच के कपड़े पर बनाया है, और उसमें ज़्यादा डिजाइने डाली है तो वो बड़ा आएगा, और ये ब्लैक वाला छोटा उसके ऊपर से रखना है और इस तरह से फिर लगा देना है। अब इसके ऊपर एक बटन लगा देंगे गोल्डन, तो इसे लगा देंगे। उसके बाद इस पर 2 लटकन लगाएंगे। देखिए हमने बटन को लगा दिया है। अब इस तरह से इसमें मोतियाँ इसके चारों तरफ से लगा देनी है। अब बटन के चारों तरफ से लगाएंगे, जितनी आएगी धागे में डाल लेना है। फिर इस तरह से लगाने के बाद चारों तरफ से इस पर सिलाई भी पकड़ानी है, नहीं तो ये निकल जाएगी। तो इस तरह से चारों तरफ से अब एक एक सिलाई थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से पकड़ कर लगा देंगे। इसे लगाने के बाद अब इस पर हम 2 लटकने लगाएंगे। तो इस तरह देखिए लटकन ले ली है। अब इसमें मोती हमने डाल ली है। अब इस तरह इसको लगा देंगे। इसी तरह दूसरी भी लगा लेनी है, क्योंकि हमें इस पर 2 लगानी है। देखिए दोनों लटकन हमने लगा दिया है। ये डिजाइन हमारा तैयार हुआ। अब लास्ट में इसका जो प्लेट्स है उसे बना देंगे। दोनों प्लेट्स डाल देनी है बराबर से। तो इस तरह देखिए हमने प्लेट्स बना दिया और गले पर इस पर डोरी लगाएंगे। तो डिज़ाइन हमारा बनके तैयार हुआ। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।